Okay, so we'll continue with standard costing only, and this is the last part of standard costing. Okay, तो आप जरा लिखिए concept of सिंगल एंड पार्शियल प्लान, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंड पार्शियल प्लान. ओके, तो लास्ट में अब क्लाइंट आपसे एक चीज पूछता है, सर मेरे को सब समझा, स्टेप नंबर वन कॉस्ट, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजट एट प्रोडक्शन, स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज ऑन एक्चुअल, फिर रिकन्सिलेशन होता है, ये होता है, वो होता है. बोले सर मेरे का एक लास्ट मेरा एक क्वेरी बचा आपके लिए कि अगर मुझे मेरे बुक्स मेंटेन करने, राइट, इफ आई वांटेड टू मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मैं क्या करूं, राइट, हाउ टू मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. तो सबसे पहले अपन को क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि भाई तू किधर मेंटेन करना चाहता है, एचओ में या फैक्ट्री में. ओके, तो आप जरा लिखाइए अकाउंटिंग प्रोसीजर, हेडिंग आप डाल दीजिए अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसीजर. ओके, अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले आप आ जाइए आपका प्लेस, कहां पे आपको बुक्स मेंटेन करने, दिस इज, ये चार्ट आप बना लीजिए, एचओ या फैक्ट्री, एचओ मींस हेड ऑफिस या फैक्ट्री. अगर आप एचओ में मेंटेन करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपको याद हो इंटर का, तो इंटीग्रेटेड, और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड. अगर एचओ में मेंटेन करना है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड, और इसको बोलेंगे हम नॉन इंटीग्रेटेड, राइट. या फिर क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कैश है, बैंक है, आपका डेटर्स है या फिर क्रेडिटर्स है. अगर ये कुछ चीजें दे रखी हैं तो सिस्टम कौन सा हो गया, इंटीग्रेटेड. नहीं तो यहां पे आपको देगा कॉस्ट लेजर, कंट्रोल अकाउंट या जीएलए अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जीएलए अकाउंट, इतना कॉपी कर लीजिए आप, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जीएलए अकाउंट. कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जीएलए, उससे अपने को पता चलेगा, राइट. अब पूरे सिस्टम को आप एक बार में समझ लो, राइट, एकदम एक एक पार्ट को आप बराबर से समझ लो, राइट. सबसे पहले क्लाइंट से अपन पूछेंगे भाई आप क्या मेंटेन करना चाहते हो, कहाँ पे मेंटेन करना चाहते हो, बोलता है एचओ में, तो अपना सिस्टम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड. अगर वो बोलता है फैक्ट्री में, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन इंटीग्रेटेड. समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम नॉन, है ना. अब क्लाइंट को हम बोले देखो भाई इवन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इवन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एवरीडे चेंज होगा, बट आपको जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या रखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट. आप ऐसे नहीं कर सकते आज पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का है, आज शाम को 5 रुपीज़ 25 पैसे का है, कल लेने जाएगा तो 5 रुपीज़ 50 पैसे का है, फिर रात को लेगा तो 5.20 का, वैसा नहीं है. आपको प्राइस क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट. आपका प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. बोले ठीक है. बोले सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि उसके लिए यू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, है ना. एक कहाँ पे बुक्स तेरे को मेंटेन करना है, क्या कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है. तो आप जना बना लीजिए, दिस इज प्लेस में आप लिख दीजिए, सपोज एक बार के लिए एचओ हेड ऑफिस, राइट. स्टेप नंबर वन, दिस इज स्टेटमेंट
showing cost sheet. ये just copy कर लीजिए अपना statement showing cost sheet. Production suppose 1100 units. प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा सपोज 1100 यूनिट्स राइट. कॉस्ट शीट हम लोग किस में डिवाइड करते थे, मान लीजिए डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, आपका क्या बनेगा प्राइम कॉस्ट. 10 केजी एक यूनिट को बनाने में एट द रेट ऑफ 10 तो पर यूनिट कॉस्ट आपका क्या आ जाएगा 100 रुपीज. एक यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल चाहिए 10 और एक केजी का रेट क्या है 10 तो आपका क्या हो जाएगा 100. डायरेक्ट लेबर 10 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 100. डायरेक्ट एक्सपेंस नील प्राइम कॉस्ट. देन इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स 11,000 डिवाइडेड बाई 1100 यूनिट्स 10 टू 10 दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट. एंड चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 90 और आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 300. ये तो एकदम सिंपल हो गया है ना. कस्टमर से हमने क्या पूछा किधर बुक्स मेंटेन करेगा, बोलता है एचओ में. इसका मतलब सिस्टम कौन सा हो गया अपना, बोलो इंटीग्रेटेड. वेरी गुड इंटीग्रेटेड. फिर हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे. कॉस्ट शीट डिवाइडेड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, सेकेंड इज ए इंडर. डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल 10 केजी एट द रेट ऑफ 10, 10 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 100. प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड 11,100. परफेक्टली क्लियर. अब जब उसने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो एक्चुअल यूनिट्स बन के तैयार हुई ओनली, एक्चुअल यूनिट्स बन के तैयार हुई ओनली 1000. इतना लिख लीजिए आप, एक्चुअल यूनिट्स आपकी बन के तैयार हुई ओनली 1000. आपकी एक्चुअल यूनिट्स बन के तैयार हुई 1000. एक्चुअल यूनिट्स आपकी बन के तैयार हुई सपोज से 1000. बराबर है. अब हमको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई दो तरह के प्लान होते हैं, एक पार्शियल प्लान और एक होता है सिंगल प्लान, कि तू कौन सा प्लान फॉलो करना चाहता है राइट. तो वो बोलता है सर मेरे को तो कुछ समझता नहीं है, आप ही बताओ. तो प्लान में सबसे पहले आप लिख लो पार्शियल प्लान. कौन सा प्लान लिखेंगे अपन, फर्स्ट पार्शियल प्लान. पहला प्लान कौन सा रहेगा आपका, बोलो पार्शियल प्लान. ओके आप देखो, आपको याद है हम लोग इंटर में क्या करते थे, प्रोसेस अकाउंटिंग. तो प्रोसेस में अपन क्या करते थे, सारे एक्सपेंसेस प्रोसेस अकाउंट में डेबिट कर देते थे राइट. फिर फिनिश गुड्स बन के तैयार होता था, फिनिश गुड्स को क्रेडिट करते थे, प्रोसेस अकाउंट टैली होता था. यहाँ पे हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे और उस अकाउंट को प्रोसेस की जगह क्या बोलेंगे, WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट. ओके तो लिखो जरा. अब इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता है, पार्शियल प्लान सिंगल प्लान ऐसा कोई मीनिंग नहीं है. जैसे सपोज मैं आपको बोलूं मर्केंटाइल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, मीनिंग कुछ नहीं है. मर्केंटाइल पे हम लोग कैसे एक्यूरल बेसिस पे मेंटेन करते हैं, कैश बेसिस मतलब कैश बेसिस पे करते हैं, पर उनका कोई मीनिंग नहीं है. ऐसे ही पार्श तो लिखो जरा, पार्शियल प्लान, पार्शियल प्लान एज पर दिस प्लान
पार्शियल प्लान, पार्शियल प्लान, एज पर दिस प्लान, एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द WIP अकाउंट. एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल. We will debit the WIP account on the basis of actual and credit the same on the basis of standard and analysis of variance. And analysis of variance takes place. And analysis of variance takes place at the end of the period. ठीक है. अब जरा देखो, सपोज दिस इज द सिचुएशन, योर स्टेप नंबर वन. जरा अभी एक कॉपी कर लीजिए ना. एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू 1000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट, देन लेबर आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस. एक्चुअल प्रोडक्शन 1000, लेबर फिक्स्ड ओवरहेड, राइट. एक यूनिट को बनाने में कितना केजी कहिए, 10. 1000 इंटू 10 केजी, 10,000 इंटू 10, 1 लाख. 1000 इंटू 10 आवर्स पर यूनिट लिखा था ना अपन ने, 10,000 इंटू 10, 1 लाख. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन बजटेड प्रोडक्शन 1100, 10 एंड 11,000. बराबर, इतना कॉपी कर लीजिए आप ना. प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, एक यूनिट को बनाने में कितना चाहिए, 10 केजी, तो 10,000 केजी हो गया. एट द रेट ऑफ 10, 1 लाख. लेबर में 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 कितना हो गया आपका, 1 लाख. फिक्स्ड ओवरहेड में 1100 इंटू 10, 11,000. नहीं दे, जब हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए तो मटेरियल यूज सपोज 11,000 केजी, 11,121, 11,000 आवर्स, 11,121, 1,000 यूनिट्स एंड दिस कम्स टू 12,000. जब हमने एक्चुअल एक्सपेंस किया तो हमारा ये हुआ. जस्ट कॉपी दिस ना.
सही आंसर ऑप्शन राइट। प्लेस कहाँ था हमारा? प्लेस एच ओ, इसका मतलब सिस्टम कौन सा हो गया? इंटीग्रेटेड राइट। प्लान कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम लोग? पार्शियल प्लान है ना। पहले जनरल एंट्री समझ लो आप ना, बाद में कॉपी करना। हाँ पहले जनरल एंट्री समझ लो बराबर। हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया राइट, इसका मतलब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लेबर पे किया, फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल डेबिट 121, लेबर कंट्रोल डेबिट 121 एंड दिस इज 12,000 टू कैश या फिर बैंक अकाउंट बिकॉज बुक्स इज मेंटेन बाय एचओ। कितना हो जाएगा देखो जरा, 121, 242, 243, 244, 254 राइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं है ना। अब ये पूरा की पूरा हम लोगों ने WIP को इशू कर दिया, तो प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इसका मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, टू लेबर कंट्रोल अकाउंट एंड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना क्रेडिट है? 121, 121, 12,000 and 2,50,000 यू डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल। अब आपका गुड्स बन के तैयार हुआ, कितना गुड्स बन के तैयार हुआ? 1,000। अब कॉस्ट शीट मैंने जो बनाया था उसमें देखो पर यूनिट कॉस्ट क्या था? 290, कितना था? 210। आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या था? 210 राइट। तो क्रेडिट किस पे करेंगे? 210 पे राइट। तो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,000 × 210 210,000 एंड टू WIP कंट्रोल 210। मतलब एवरीडे आप डेबिट करते हैं, जैसे जैसे गुड्स बनता जाएगा आप किसके हिसाब से क्रेडिट करते जाइए? 210। तो डेबिट आपने किस पे किया? एक्चुअल। क्रेडिट किस पे किया? स्टैंडर्ड। जो दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेरियंसेस राइट। पीरियड खत्म हो गया, मैंने क्या बोला? एज पर दिस प्लान वी विल एनालाइज द वेरियंस एट द एंड ऑफ द पीरियड। इतना कॉपी कर लीजिए आप। मटेरियल कंट्रोल डेबिट, लेबर कंट्रोल डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, बराबर है। अब आपका एंट्री कम, अब क्या हो गया? आपका पीरियड एंड हो गया। पीरियड एंड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ वेरियंस राइट। तो एनालिसिस ऑफ वेरियंस कर सकते हैं, पहला क्या रहेगा आपका? मटेरियल का है ना,
ये रिलेटेड टू क्या है आपका? मेटेरियल, ये रिलेटेड टू लेबर, ये रिलेटेड टू, है ना? तो अब आप करिए नेक्स्ट ना, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो आप लोग ना, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट। पहला मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस 1,121,000, कितने का लॉस हो गया? 21,000, बराबर है? 21,000 एडवर्स। यहां से आप स्टार्ट कर दो लिखना ना, इसके दो पार्ट, मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड मटेरियल रेट वेरियंस। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितना मटेरियल लगेगा? 10,000 kg। कितना यूज हुआ? 11 × 10, 10,000 एडवर्स, याद आ रहा है? 10 की जगह 11 × 11,000 एडवर्स। लेबर कॉस्ट वेरियंस, कितना कॉस्ट सोचा था? 1,00,000। कितना कॉस्ट आ रहा है? 121,000 एडवर्स। इसके दो पार्ट, एक लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, दूसरा लेबर रेट वेरियंस। एफिशिएंसी 10,000 आवर्स, 11,000 × 10, 10,000 एडवर्स। रेट 10 की जगह 11,000 एडवर्स। फिर अपन क्या करते थे, याद है? फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, कितना पे किया टू बैंक? 12,000 बाई रिकवरी, 1,000 × 10, 10,000 बाई अंडर रिकवरी 2,000, राइट। फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 2,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, याद आ रहा है फ्रेंड्स? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 11, एक्चुअल 12, 1,000 लॉस, 1,100, 1,000 × 10, 1,000 एडवर्स। जो वेरियंस एडवर्स है वो अपने लिए क्या हो गया? लॉस, बराबर। जो वेरियंस फेवरेबल है वो अपने लिए क्या हो जाएगा? गेन, बराबर। तो क्या करेंगे, अब पूरा एंट्रीज पास कर देंगे। कैसे? यहां पे तो अपन को सबने लॉस ही किया है, इट मींस मटेरियल यूसेज वेरियंस डेबिट 10,000, मटेरियल रेट वेरियंस डेबिट 11,000,
लेबर एफिशिएंसी वेरियंस डेबिट 10,000, लेबर रेट वेरियंस डेबिट 11,000, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट 1,000, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस डेबिट 1,000 एंड 2 WIP कंट्रोल। तो देखो आपका WIP अकाउंट आपको क्या मिलेगा, टैली। कितने का डिफरेंस था देखो जरा, WIP अपन ने डेबिट कितने से किया था, 252 है ना, 254, क्रेडिट किया था 210, तो ये आपका 44 आ जाएगा। आपका WIP अकाउंट क्या हो जाएगा इसके साथ, टैली। ओके, तो ये अपना क्या था, एच पर पार्शियल प्लांट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम जितने भी सम हम लोगों ने स्टैंडर्ड में किए थे वो सब एच पर पार्शियल प्लान थे। नाउ एच पर सिंगल प्लान, राइट। तो लिखो जरा ना, नेक्स्ट आप लिखो एच पर सिंगल प्लान, एच पर सिंगल प्लान, बराबर लिखो जरा। एच पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट। एच पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मेटेरियल अकाउंट कोमा लेबर अकाउंट कोमा वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट कोमा वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट कोमा फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट कोमा फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट कोमा WIP अकाउंट कॉमा WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड वेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। दो तरह के वेरियंस एनालिसिस होते हैं। आप लोग कैसे करते हो एनालिसिस ऑफ वेरियंस एज पर पार्शियल प्लान? अभी सब मिस्टेक करोगे, एग्जाम लिखोगे, एग्जाम तक वेट करोगे, फेल होगे, फिर तुम लोग एनालिसिस करोगे कि हमारा क्या रीजन था फेल होने का। एक होता है कि नहीं, सपोज आज ही मेरे को देखना चाहिए आज मेरे से क्या मिस्टेक हुई, राइट, और आज ही मैं उसका करेक्टिव एक्शन लूंगा करके। तो बजटरी कंट्रोल में दो तरह के कंट्रोल रहते हैं, एक बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल, एक बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल मीन्स अपन क्या करते हैं बाद में,
अभी इंडिया में क्या रहता है, कोई भी आदमी बीमार होता है तो कभी दवा लेता है जब डॉक्टर लिखेगा। हाँ, फॉरेन में क्या रहता है ना, एवरी टाइम दे चेक देयर बॉडी, राइट, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये क्या है आपका, अभी तक अपन ने जितने भी वेरियंस किए थे वहां पे क्या होता था, एनालिसिस ऑफ वेरियंस करते थे एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगा आपको पता चलना चाहिए कि क्या मिस्टेक हुआ। एंड ऑफ द पीरियड करने से क्या फायदा, जब आप फेल हो जाओगे फिर वेरियंस एनालिसिस करने से क्या फायदा, अभी करो ना, मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, मैंने कितना पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द, क्यों क्यों इंडिया में सब लोग इतना सीए में इतना सब लोग मेहनत करते हैं, 2-5% लोग ही क्यों पास होते हैं, उनका एटीट्यूड ही यही है। फिर बोलेंगे पेपर टफ था, लेंदी था, ये था वो था, इंस्टीट्यूट ने इसके लिए बोला, अभी एग्जाम में अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लेट हो आपका गया वो ग्रुप, 6 महीने गए आपके, पता चल जाएगी आपको। आप बोलना मेरे को ट्रेन नहीं मिली, मेरे को टैक्सी नहीं मिली, एटीट्यूड आपका वही रहेगा। कल को सीए बन जाओगे, इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलना है, क्या बोलोगे उसको, सर मेरे को टैक्सी नहीं मिला इसके लिए मैं लेट आया। तुम समझो यार, यू आर ए गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, नहीं समझ सकते हो तो ना हो तो वीडियो फैसिलिटीज अवेलेबल, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, जब मर्जी होगी तब उठो, जब मर्जी होगी तब सो, तब पढ़ो करके। तो ये एनालिसिस ऑफ वेरियंस कब प्लेस करेगा, एज एन वेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। होता क्या है, सपोज आपने सोचा था रेट क्या रहेगा 10, उसने क्या पे कर दिया 11। एनालिसिस ऑफ वेरियंस कब होगा, जब एंड ऑफ द बिल, तब तक पता चला वो परचेज मैनेजर जॉब छोड़ के चला गया, क्या करोगे आप। इंस्टीट्यूट के ऐसे कैमरे लगे हुए ना, पूरा आपका एटीट्यूड चेक करता रहता है, जो आप छोड़ के जाओगे ना वही एग्जाम में आएगा, उनको मालूम है ये पढ़ के नहीं आया। एक पहला ही पेपर आपको औकात बता देगा, कल से मत आना करके। अगर आप अगर एटीट्यूड आप अपना नहीं रखोगे टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेने का, बद्दुआएं नहीं लेने का करके, टीचर की बद्दुआएं लेके कहाँ से तुम होगे क्लियर करके। आपके हिसाब से अगर अपन इतना एडजस्ट कर रहे हैं तो तुम भी उतना करो करके ना। क्या बोल रहा है कि एज एन वेन द ट्रांजेक्शन, आप समझ रहे हो, हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरियंस कब करते हैं, अभी तक कब करते थे, पीरियड खत्म होने के बाद, एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। अब एंड ऑफ द ईयर में 10 की जगह आपने क्या पे किया 11, 1 रुपीज। आप किसको पकड़ोगे, परचेज मैनेजर को, पता चला परचेज मैनेजर से छोड़ के चला गया, आप किसको पकड़ोगे अभी। अगर आप आपका ये एटीट्यूड रहता कि नहीं एवरी डे मैं प्लान करता, मेरे को इतना स्टडी करना चाहिए, मेरा कम हुआ है तो क्यों हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, तो फिर एग्जाम में आप फेल नहीं होगे, आप तो फेल 100% होने वाले हो। क्यों, आप प्लान कौन सा फॉलो कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ से करोगे करके। सपोज योर लाइक यू नो दैट क्लाइंट इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बोलता है व्हाट इज द सेंस ऑफ डूइंग द एनालिसिस ऑफ वेरियंस एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्या फायदा है उसका करके। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है करके, कि एज एन वेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। देखो कैसे करेंगे, तो अब अपन क्या लिखेंगे, लिखो अभी अपना, दिस इज बुक्स मेंटेन बाई एचओ, राइट, एंड द प्लान इज ए सिंगल प्लान, बुक्स मेंटेन बाई एचओ, और प्लान में लिखो आप सिंगल प्लान। सिंगल प्लान, ठीक है। अब देखो आपने परचेज मैनेजर को क्या बोला कि देख भाई तेरे को क्या रेट अलाउड है 10 रुपीज, तेरे को क्या रेट अलाउड है 10, अगर तूने 10 से कम या ज्यादा पे किया तो यू डेबिट इमीडिएटली इन वेरियंस अकाउंट, सो आई कैन टेक द करेक्ट। सपोज आपका क्लाइंट कहाँ पर है, जापान में, यू आर सिटिंग इन मुंबई, आप कंसल्टेंसी कहाँ से दे रहे हो, मुंबई से, क्लाइंट कहाँ पर है, जापान में, आप कैसे, वो कैसे एंट्री पास करेगा, देखो जरा, फर्स्ट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना मटेरियल परचेस किया 11,000, सपोज टू पे 10 रुपीज, उसको कितना पे करना चाहिए 1,10,000, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। लेकिन उसने पे कितना किया है 121, तो मेटेरियल रेट वेरियंस डेबिट
टेन, टेन की जगह इलेवन इंटू इलेवन थाउजेंड, इलेवन थाउजेंड एंड टू कैश और बैंक एंड दिस कम्स टू 120. जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसी टाइम पे आपको पता चलना चाहिए कि मिस्टेक है. कितना आपने परचेस किया, कितना आपने परचेस किया है, यू आर सपोज टू पे 10, 110 आना चाहिए, आ रहा है कितना 11, कितने का लॉस हो गया 11, टोटल कितना हो गया 121. अब जैसे ही ये आपके सॉफ्टवेयर में आएगा, ये रेड में आएगा, आप उसको फोन करके पूछ सकते हो भाई क्या हुआ, वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल. अगर आपको लगता है कंट्रोलेबल है हमारी वजह से तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है नहीं प्राइस बढ़ गया है, जीएसटी लग गया है, तो आप अपना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो ना. आर यू फॉलोइंग ऑन? आपको क्या करना है, जैसे सपोज अगर सपोज ये नहीं है, यहाँ पे आपका होता था सपोज से 9 रुपीज, क्या आ जाएगा 99. क्या एंट्री हम लोग पास करेंगे, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट. कितना मटेरियल परचेस किया 11,000, यू आर सपोज टू पे 10, 1,10,000, टू कैश और बैंक कितना है आपका 11,000 इंटू 9,99. बाकी का आपका कहाँ चला जाएगा, टू मटेरियल रेट वेरियंस, क्या रेट था 10, क्या पे किया इंटू 11,000 एंड दिस कम्स टू. जैसे ही आपका क्रेडिट होगा आपको पता चल जाएगा यार मैंने तो ज़्यादा कॉस्ट शीट में लगा दिया है. आपका मटेरियल का प्राइस होना चाहिए 9, लेकिन कस्टमर को आपने चार्ज कर दिया है 10, तो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट. समझ रहे हो कि नहीं? हमारा क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन बोलो, 11,000 हमने परचेस किया है राइट, वी आर सपोज टू पे 10 रुपीज, लेकिन हम लोग कितना पे कर रहे हैं 11 रुपीज. क्या एंट्री हो जाएगा, मेटेरियल कंट्रोल डेबिट, मेटेरियल रेट डेबिट टू कैश बैंक. इतना कॉपी कर लो जरा, अपना टॉप में लिख दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाई एच ओ. इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इंटीग्रेटेड सिंगल प्लान. मेटेरियल कंट्रोल डेबिट, मेटेरियल रेट डेबिट टू कैश बैंक, है ना. अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, यू मेंटेन जस्ट लाइक ए प्रोसेस अकाउंट. प्रोसेस में अपन कैसे करते थे इंटर में, डेबिट मेटेरियल लेबर और क्रेडिट जो भी फिनिश गुड्स. अब देखो, 1,000 यूनिट्स को बनाने में कितना मेटेरियल लगना चाहिए 10,000, तो हम लोग कितना इशू करेंगे 10,000, लेकिन इशू कितना कर दिया है, तो कैसे एंट्री पास करेंगे, WIP बाद में कॉपी करना है, एक बार समझ लो, WIP कंट्रोल डेबिट 1,000 यूनिट्स इंटू 10, 10,000 इंटू 10 1,00,000. मैंने क्या लिखाया था सिंगल प्लान पर, एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड WIP ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड. कितना इशू किया आपने 10,000, आप कितना इशू कर सकते हैं 10,000 राइट, 1,00,000. मेटेरियल यूसेस वेरियंस डेबिट, कितना इशू करना चाहिए 10, कितना इशू किया 11 इंटू 10 10,000 एंड टू मेटेरियल कंट्रोल 11,000 इंटू 10 इज 1,00,000
सही है सुनो फ्रेंड्स, कितना हम लोगों ने मटेरियल इशू किया है, डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। सही है सुनो, जस्ट कॉपी दिस। As in when the transaction takes place, right? आपके बॉस ने आपको बोला तू ऑडिट पे जा रहा है ना, तेरे को 100 rupees अलाउड है, तेरे को टैक्सी फेयर कितना अलाउड है 100। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो मेरे को तुरंत बताना करके ना, मैं तेरे को पेमेंट करेगा। क्लाइंट से 100 ही लेने का, आप कैसे, आप दो बार गए राइट, 200 rupees आपको अलाउड है, आपने पे किया एक बार 105, एक बार 110, कितना हो गया 215, कैसे एंट्री पास करोगे? क्लाइंट अकाउंट डेबिट 200, वेरियंस डेबिट 15 एंड टू कैश बैंक। एज एंड व्हेन, दिस इज द सुपर लास्ट, जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है स्टैंडर्ड में, तो अब ये लास्ट पार्ट भी मत छोड़ो। अभी आपको बहुत बुरा लगेगा करके ना, सर कैसे बोल रहे हैं, लेकिन यही चीज जब मार्क्स में कन्वर्ट होगी ना तब होगा। आप मुझे यहाँ क्लास में गाली दोगे वो मुझे चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल के बाहर निकल के गाली दोगे वो नहीं चलेगा। बाकी के टीचर को आप क्लास में, वो लोग आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तब उनको गाली दोगे कि अरे उस टाइम हमको डांटता तो शायद हमसे ये मिस्टेक नहीं होती करके। आपको कितना अलाउड था बोलो, 200। आपने पे कितना किया है? क्लाइंट कितना देगा आपको? 2। तो उससे कितना लेने का, बाकी का कहाँ चला जाएगा? वेरियंस। अब देखो लेबर का बताओ कैसे करेंगे, देखो लेबर कितने आवर्स आपने पे किए, यू आर सपोज टू पे 10। देखो जरा, लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना हो गया, बाद में कॉपी करना, 11,000 × 10 110,000 राइट। लेबर बोलो रेट वेरियंस डेबिट 10 की जगह 11 × 11,000 एंड टू कैश एंड बैंक कितना हो गया 120। एक यूनिट को बनाने में कितने आर्स अलाउड थे, 10। कितने आर्स टोटल अलाउड है, 10,000। आपने आर्स कितने ले लिए, 11। तो इमीडिएट आपको पता चलना चाहिए, नॉट आफ्टर द, अभी जैसे ही आपको पता चला आप देख सकते हो ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल है तो नो प्रॉब्लम, अनकंट्रोलेबल तो आप यू कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट ना, सही या सुनो राइट। क्या हो जाएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1000 यूनिट्स इंटू 10 आवर्स इंटू 10 100,000, कितने आवर्स अलाउड थे 10,000, लेकिन आपने आवर्स कितने ले लिए, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस डेबिट 10 की जगह 11 × 10 10,000 एंड टू लेबर कंट्रोल 100,000 सही है सुनो। एज एन विन द ट्रांजेक्शन, जैसे ही आपने ज्यादा आर्स इशू किए आपको पता चल जाना चाहिए कुछ प्रॉब्लम है, सो इमीडिएटली यू कैन टेक द एक्शन। परफेक्ट, इतना ले लो जरा, जस्ट कॉपी दिस ना। इतना आपने टाइम दिया है, इतना ज्यादा टाइम आपने स्टैंडर्ड में दिया है, तो एक सम तो एकदम प्रॉपर कर लो, आपका कॉस्टिंग तो स्ट्रॉन्ग बना के जाओ।
से यसो नो राइट। अब आ जाओ आप फिक्स ओवरहेड, आपको कितना पैसा अलाउ था खर्चा करने का? 11,000। आपको कितना पैसा अलाउ था? 11। आपने पे कितना कर दिया? तो इमीडिएटली पता चलना चाहिए, इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 11,000, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट 11 की जगह 12, कितना हो गया 1,002, कैश और बैंक एंड दिस कम्स टू 12,000 बराबर। अब डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितनी यूनिट्स बनी हमारी 1,000, एक का कॉस्ट क्या है 10 रुपीज, कस्टमर से कितना ले सकते हैं ओनली 10,000। ये पीरियड में कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे 1100, बने कितने 1,000, इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस डेबिट 1100, उसके सामने 1,000 इंटू 10 1,002 फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल एंड दिस इज 11,000 राइट। आपका गुड्स बन के तैयार, क्या कॉस्ट था अपने गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट क्या था कॉस्ट शीट में 210 ना, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू आई पी कंट्रोल 1,000 इंटू 210 आपका क्या हो जाएगा 2,10,000 अब देखो जरा सारे डब्ल्यू आई पी के डेबिट का जरा टोटल करके देखो क्या आता है, सारे डब्ल्यू आई पी के डेबिट का टोटल करके देखो क्या आता है, सारे डब्ल्यू आई पी के डेबिट का टोटल करके देखो क्या आता है। अब मैं एक सम में पूरा सब कुछ आपको रिवाइज करा देता हूँ राइट, पहले इतना कॉपी कर लो राइट, फिर आपको पूरा ए टू जेड अभी तक जो डिस्कस किया है वो पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ ठीक है। जस्ट यू रिफर 41 केस स्टडी 41 पेज नंबर 12.104 सीएस 41 पेज नंबर 12.104 एक बार जस्ट गो थ्रू करो और आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से ये कौन सा प्लान है राइट। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं,
ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ये कंसेप्ट रिलेटेड है योर अकाउंटिंग प्रोसीजर। लास्ट कंसेप्ट आपसे क्लाइंट क्या पूछ रहा है कि मेरे को सब समझा, स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजट, P&L अकाउंट ऑलवेज ऑन एक्चुअल, राइट, रिकंसिलेशन मेरे को सब समझा। अब मुझे क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने। तो पहले हमने उससे क्या पूछा, तेरे को कहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, HO में या फैक्ट्री में? अगर HO में मेंटेन करने हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड। अगर फैक्ट्री में मेंटेन करने हैं तो नॉन इंटीग्रेटेड, है ना। दो तरह के प्लान है, एच पर पार्शियल प्लान, राइट। वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, वी क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द पीरियड। दूसरा है सिंगल, सिंगल में वी डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। अगर उसने बोला कि एट द टाइम ऑफ परचेज, इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल प्लान। अपन क्या निकालते थे, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। अपन क्या करते हैं, फीडबैक कंट्रोल, मीन्स ट्रांजेक्शन होने के बाद, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते। ये लोग क्या है, सिंगल प्लान, मीन्स साथ के साथ कुछ गलती हो रही है तो इमीडिएटली पता चलना चाहिए, राइट। देखो जरा 41, आप मुझे बताओ इसमें आपको कौन सा लग रहा है, राइट, कौन सा प्लान है, सिंगल है या पार्शियल है। 41 पेज नंबर 12.104, कौन सा है, सिंगल, कैसे पता चला? यस, प्लीज एनालाइज दैट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज टेकन आउट एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। अभी तक अगर कुछ नहीं बोला है तो हर सम किससे करना है, पार्शियल प्लान से। लेकिन उसने क्या बोला है, इसका मतलब से अब मैं आपको सब करा देता हूं इसमें। इन लोगों ने खाली वेरिएंस पूछे, मैं आपको सारा जितना पॉसिबल है स्टैंडर्ड में वो सब, ये सब मैं करा देता हूँ। पहले कैन यू प्रिपेयर द स्टेप नंबर वन, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल, राइट, फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजट। बनाओ जरा स्टेप वन, स्टेप नंबर वन, मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एक्चुअल KG रेट अमाउंट, KG रेट अमाउंट, लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड, बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस, राइट है। पहला मैं आपको पार्ट छोड़ूंगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए, राइट, एग्जाम में क्या आंसर करना है इस क्वेश्चन का, वो उसके लिए, राइट, और ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। बराबर,
तो ये आपको नहीं करना है, जस्ट समझने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये इसके लिए, राइट। अब देखो, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कार्ड ऑफ वन यूनिट, प्लीज अंडरलाइन दैट, वन यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? मेटेरियल ए एंड मेटेरियल बी, दो तरह के मेटेरियल हैं, 12 केजी ए एंड 5 केजी बी, इट मींस इनपुट ए बी कितना लगेगा? 12,000 केजी एंड 5,000 केजी, वन यूनिट इज रिक्वायर्स 5 आवर्स, इट मींस 5,000 आवर्स, एंड फिक्स्ड ओवरहेड 35 रुपीज पर यूनिट, पूरे साल का प्रोडक्शन है 1200 इवनली थ्रू आउट द ईयर, एनुअल आउटपुट आपका कितना है? 13,200 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? 1100 इंटू 35, 38,500। वॉट इज द मटेरियल का रेट? 10 and 6, 10 and 6, 12,000 into 10, 1,20,000, 5,000 into 6 is 30, is 150 and 17, rate per hour 3 rupees, this comes to 15,000. सही आसान हो फ्रेंड्स। दो तरह का मटेरियल है अपना, ए एंड बी। एक यूनिट को बनाने में 12,000 केजी ऑफ ए, 5,000 केजी ऑफ बी, 1,000 into 5, 5,000 hours into 3, 15,000, 1,100 into 35, 38,500। बोलो आप, डायरेक्ट मटेरियल जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो कितना यूज किया है? 11,000 ऑफ ए, 5,200 ऑफ बी, कॉस्ट 1,21,28,600। निकालो 1,21,11,000, 11,28,600 डिवाइडेड बाय 5,200, 5.5, 11,000 प्लस 5,200, 16,200, 121 प्लस 28,600, 149,600 एक्चुअल आर्स, 5,500, 17,500, 3.1818 एक्चुअल यूनिट्स 1,000 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 39,000। टेबल आपको समझा कि नहीं समझा पहले ये बताइए, नहीं टेबल आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है अपने से? यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट ऑल द वेरियंसेस, राइट। पहले जरा एग्जाम में क्या पूछा है वो समझ लो, राइट। मैंने आपको क्या बताया था? ये कौन सा प्लान है? सिंगल प्लान, खाली एक ही जगह पे डिफरेंस है। पार्शियल प्लान में हम लोग क्या लेते थे? कंज्यूम्ड पे। यहां पे हम क्या लेंगे? परचेज पर। समझे नहीं? अब देखो, सपोज मटेरियल ए क्या रेट अलाउड था? 10। क्या पे किया? 11। कितना एक्स्ट्रा पे किया? 1। लेकिन उसने कितना क्वांटिटी परचेज किया है? परचेज, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, परचेज 12,000 केजी ऑफ ए, इट मींस आपको लॉस कितना हो जाएगा? 12,000, है ना। बी में देखो क्या रेट था? 6।
क्या पे किया 5.5, लेकिन नॉट कंज्यूम्ड, वी विल टेक द परचेस क्वांटिटी, कितना परचेस किया है 5000, कितना प्रॉफिट हो गया 2000। एग्जाम में आपको ये करना है। अगर ये पार्शियल प्लान होता तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे, 11,000 and 5,200 से। ये कौन सा प्लान है, सिंगल प्लान है, सही है सुनो। अभी सपोज इसी में अगर आपको मैं बोलता हूं कि इसका जनरल एंट्री पास करो एचओ में, एंड दिस इज ए सिंगल प्लान, या जनरल एंट्री पास करो फैक्ट्री में, एंड दिस इज योर सिंगल प्लान, राइट है। आपने कितना मटेरियल परचेस किया है 12,000, बराबर, आपने कितना मटेरियल परचेस किया है 12,000, यू आर सपोज टू पे 10, यू आर पेइंग 11, क्या एंट्री पास हो जाएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 12,000 × 10 120,000, मटेरियल रेट वेरियंस डेबिट 10 की जगह 11 × 11 12,000 and 2, कैश बैंक 132, बराबर। कितना मटेरियल आपने परचेस किया है 12,000, यू आर सपोज टू पे 10, आपने पे कित, जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा आपको पता चलना चाहिए, राइट, क्या हो जाएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना परचेस किया 12, यू आर सपोज टू पे 10, कितना हो गया 1,20,000, मटेरियल रेट वेरियंस डेबिट कितना है 10 की जगह 11 × 12 12,000 and 2, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या GLA कितना हो जाएगा 130। खाली एक ही डिफरेंस है, अगर आपने एचओ की जगह फैक्ट्री में मेंटेन किया तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल या GLA, यहां पे आपका क्या आएगा, कैश एंड बैंक, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये एग्जाम में तो आपका ये चलेगा, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना करना है, ये जस्ट आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आपको लॉस कितना हो रहा है 12,000, सही है सुनो, इतना कॉपी कर लो जरा ना। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगा आपको डेबिट या क्रेडिट कर डालना है, राइट, एज एन वेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस,
खाली एक ही जगह पे डिफरेंस है दोनों प्लान में, हियर वी मल्टीप्लाई बाय द परचेज क्वांटिटी, और पार्शियल में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे, कंज्यूम्ड क्वांटिटी, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। अब देखो बी, बी में कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे समझो जरा, कितना बी आपने परचेज किया है, कितना बी परचेज किया है, कितना बी आपने परचेज किया है बोलो, 5000 ना। तो देखो क्या एंट्री पास करेंगे, मटेरियल बी कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 एंड यू आर सपोज टू पे 6, कितना पे करना चाहिए 30, आपने पे क्या किया है 2 कैश बैंक, किस हिसाब से परचेज किया आपने 5000 इंटू 5.5 27500 एंड 2 मटेरियल रेट वेरियंस 6 5.5 5000 2500, जितना एज एंड वेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है आपको पता चलना चाहिए राइट, कितना मटेरियल परचेस किया, मटेरियल बी कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना परचेस किया 5, यू आर सपोज टू पे 6, कितना हो गया 30000 टू GLA क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड है, कितना हो जाएगा 5000 इंटू 5.5 27500 एंड टू मटेरियल रेट वेरियंस 6 5.5 5000 2500, जस्ट कॉपी दिस ना, ये सब आपको एक्स्ट्रा में चल रहा है, आपका तो यहीं हो गया काम खत्म राइट, ये एक्स्ट्रा में सिखा रहा हूँ करके ना, जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है स्टैंडर्ड में तो एटलीस्ट एक टॉपिक तो ऐसा करके जाओ कि एकदम कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सको करके ना। इसके बाद मैं आपको एक LMR का लिस्ट दे दूंगा कि आपको सेकेंड टाइम कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने, ओके लास्ट मिनट रिविजन में सारे क्वेश्चन अब ये नहीं करने, सेकेंड टाइम आपको कौन से करने वो मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको ना फ्रेंड्स। बाकी के सिंगल एंड पार्शियल के वेरियंस कैलकुलेशन सेम है एक्सेप्ट मटेरियल राइट, मटेरियल में हम लोग कहाँ लेते हैं एट द टाइम ऑफ परचेस, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ राइट। ग्रुप ट्यूशन का मतलब ही ये है कि आपको लाइक एक एक कंसेप्ट क्लियर होना है, नहीं तो वीडियो लेक्चर्स ले लो ना करके, सर बोलता रहेगा आपको जब सुनना है जब सुनो, जब नहीं सुनना है जब बंद कर दो, आपके हिसाब से चलेगा सर। यहाँ पे आए हो तो आप डिस्कस करो, पूछो चीज़ों को करके ना, आप मेरे को कंफ्यूज करो तो मैं आपको सिखा पाऊंगा ना ठीक है। अब देखो अब आ जाओ आप, मटेरियल यूसेज वेरियंस कैसे निकालते थे अपन याद है, अब उसकी ही फिर मैं आपको जनरल एंट्री सिखाता हूँ तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा राइट। देखो मटेरियल ये आपका था मटेरियल बी राइट फ्रेंड, अब मटेरियल यूसेज वेरियंस ए बी, एग्जाम में आपको ये करना है बराबर, कितना अलाउड था 12000, कितना यूज किया 11000 इंटू 10, कितने का प्रॉफिट हो गया 10000, कितना अलाउड था बोलो 5, कितना यूज किया कितना इंटू 6, कितना हो गया 12000 एडवर्स, एग्जाम में आपको ये करना है
एनालिसिस ऑफ एरर, लेकिन हमको जनरल एंट्री भी सीखनी है बराबर। डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना अलाउड था बोलो, 12,000 इंटू 10 कितना हो गया 1,20,000। कितना इशू किया 11 टू मटेरियल कंट्रोल, 11,000 इंटू 10 1,10,000 टू मटेरियल यूसेज वेरियंस 12 की जगह कितना इशू किया 11 इंटू 10 कितना हो गया 10,000 फेवरेबल है, क्रेडिट एट मीन्स फेवरेबल, यहां पे क्या हो जाएगा सेम एंट्री, समझ रहे हो कि नहीं। कितना मटेरियल अलाउड था 5,000, कितना यूज किया 5,000, तो 200 कहां जाएगा यूसेज वेरियंस एडवर्स में बराबर डेबिट में जाएगा। इट मीन्स डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना था 1,000 यूनिट, एक को बनाने में 5,000 इंटू 6 30,000, लेकिन हम लोगों ने इशू कितना किया है 5,200, तो मटेरियल यूसेज वेरियंस डेबिट कितना 5 की जगह 5,200 इंटू 6 1,200 टू मटेरियल कंट्रोल 31,200 एंड दिस इज सेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एज इन वेन जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगा आपको पता चलना चाहिए कि भैया मैंने को कितना इशू करना चाहिए था 5,000, मैंने इशू कितना कर दिया 5,200, तो इमीडिएटली मैनेजर को पूछ सकते हो ना ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग कब पूछते हैं, इंडिया वाले बिजनेसमैन कभी पूछते हैं एट द एंड, तो फिर कहाँ से पता चलेगा आपको करके। एग्जाम होने के बाद अगर आप एनालाइज करोगे तो कहाँ से पता चलेगा आपको करके, आपको एवरीडे एनालाइज करना चाहिए, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, मैं कितना पढ़ा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आपको लाना चाहिए बजटरी कंट्रोल का, नॉट लाइक दिस, है ना, इतना कॉपी कर लो। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स, राइट।
समझ में आ रहे? ये और ये हमेशा टैली आपको मिलना चाहिए, फेवरेबल है ये, एडवर्स है, राइट? किसी को बोलोगे ना लाइब्रेरी में जब सिंगल प्लान पार्शियल प्लान किया तो भाग जाएगा वो सुन के, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है स्टैंडर्ड में, लास्ट पार्ट को भी बहुत अच्छे से समझो, राइट? आपको श्योर हो जाए, कोई भी एग्जामिनर रहेगा उसको एक क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड से पूछना ही पूछना है, कुछ भी हो जाए। और 90% स्टूडेंट छोड़ के जाते, उनको समझते नहीं है, वो लोग फॉर्मूला ही ऐड करते रहते। आपने इतना लॉजिकली किया है, इसके लिए थोड़ा समझो यार, हम चाहते हैं कि तुम पास हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुम हमें इंडस्ट्री में आगे मिलो करके। देखो जरा आगे, आप क्या बोल रहे हैं, आपका मटेरियल का हो गया लेबर, कितने आवर्स आपने पे किया? 5500, यू आर सपोज टू पे 3, लेकिन यू आर पेइंग 3 पॉइंट, तो 1.8 कहां चला जाएगा? वेरियंस में। क्या हो जाएगा? लेबर, ये आपका लेबर रेट वेरियंस, क्या रेट था? 3, क्या पे किया? 3.18 इंटू 5500, क्या हो जाएगा? 1000 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, कितने आर से? 5, कितना आ रहा है? 5500 इंटू 3, 1500 एडवर्स। समझे या नहीं समझे, राइट? अब इसी को आप ले लो, लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितने आर्स का पे किया? 5500, यू सपोज टू पे 3, 5500 इंटू 3, 16500। लेबर रेट वेरियंस डेबिट क्या था? 3, 3, 1818 इंटू 5500, 1000 टू लेबर कंट्रोल, कितना हो जाएगा? सॉरी, टू कैश बैंक। समझे नहीं? यहां क्या हो जाएगा बोलो? लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5500 इंटू 3, 16500। लेबर रेट वेरियंस डेबिट 3 माइनस 3.1818 इंटू 5500, 1000 एंड टू GLA 17। समझे या नहीं समझे? इतना कॉपी कर लो पहले, एग्जाम में आपको ये करना है। एग्जाम में क्या पूछा है उसने? एनालिसिस ऑफ वेरियंसेज ओनली, राइट? एग्जाम में आपको ये करना है।
बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट। अब कैसे करेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर को कितने आर्स अलाउड थे, उसने ले कितने लिए, 5500। क्या एंट्री पास हो जाएगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 3 15000। उसने ले लिए लेबर एफिशिएंसी वेरियंस डेबिट कितना, 5 की जगह 5500 इंटू 3 1500 टू लेबर कंट्रोल 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम देखो ये और ये एंट्री 1500, समझे? इतना कॉपी कर लो। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आपको इतना पूछा है उतना ही करना है, राइट। अभी देखो फिक्स्ड ओवरहेड, पहले एग्जाम में क्या करना है वो समझ लो, राइट। एग्जाम में आपको करना है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस। क्या एक्सपेंस आपने सोचा था 38500, क्या एक्सपेंस आ रहा है 39000, कितने का लॉस हो गया 500। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, कितने यूनिट्स थे 1100, आ रहे हैं 1000 इंटू 35। एग्जाम का काम यहां पे खत्म, इतना सब करके बस खत्म। एड एक्स्ट्रा सीखना है तो फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, हमें कितना पे करना चाहिए था 38, लेकिन मैनेजर ने कितना पे कर दिया 30, तो इमीडिएटली पता चलना चाहिए, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट 500 टू कैश और बैंक कितना है 39000। फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 38500, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट 500 टू GLA 39000। इतना कॉपी कर लो।
से यस और नो फ्रेंड्स, समझे? एंट्री कितने यूनिट्स बनी? 1000. यू कैन डेबिट ओनली 35. इट मींस WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 35, 35,000. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम डेबिट कितना बनना चाहिए था? 1100. बना कितना? इंटू 35,500. टू फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल 38. हियर इज सेम. अब देखो इसका पर यूनिट कॉस्ट क्या था. देखो कॉस्ट शीट में पर यूनिट कॉस्ट कॉस्ट है 200 ना. तो WIP ये अपना लास्ट एंट्री, ये तो एग्जाम का यहीं तक खत्म हो गया, एक्स्ट्रा में सीख रहे हैं. फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल कितना? 200 का एक है इंटू 1000 कितना हो गया? 200,000. अब देखो सारे WIP का डेबिट का टोटल करके देखो आपको क्या मिलेगा. 200,000 आना चाहिए. क्या रहा है? 200,000. इतना कॉपी कर लो. कंट्रोल अकाउंट लिस्ट कंट्रोल अकाउंट दिस विल बी अ क्लोजिंग स्टॉक ना. यू परचेज 5000 यूज 4800 या सपोज यू आर परचेजिंग 5000 यू इशू 5200 इट मीन्स यू मस्ट बी हैविंग ए ओपनिंग स्टॉक राइट. अब आपको पूरा एक कंप्लीट रिकंसिलेशन का करा देता हूं इसमें ना. जस्ट यू रेफर क्वेश्चन 3 पेज नंबर 12.79. क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 12.79 पूरा एवरीथिंग इज देयर. कॉस्ट शीट, PNL अकाउंट, रिकंसिलेशन, एवरीथिंग इज देयर. देखो जरा ये May 10 में लास्ट पूछा हुआ है राइट. CA फाइनल एक्स लिमिटेड मिला फ्रेंड्स.
आप रीड करके बताओ कौन सा प्लान लग रहा है, सिंगल है कि पार्शियल है? सिंगल है कि पार्शियल है? सिंगल क्यों? मटेरियल प्राइस वेरियंस एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, राइट? तो लिख दो जरा, दिस इज ए सिंगल प्लान बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, सिंगल प्लान एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। बराबर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑल द वेरियंसेस, प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वेरियंस विद एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस। अगर वो टैली नहीं होता है तो क्यों टैली नहीं हो रहा है, राइट? स्टेप नंबर वन अपना हमेशा क्या रहता था? कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग मतलब रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन के स्टेप वन कॉस्ट शीट। बना सकते हो कॉस्ट शीट? बनाओ जरा। स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इज 25,200 डिवाइडेड बाय 12, इवनली है ना फ्रेंड्स? 25,200 डिवाइडेड बाय 12 क्या आएगा? 2,100। दिस इज पर यूनिट एंड दिस इज योर टोटल। डायरेक्ट मटेरियल ए एंड बी, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल्स। फिफ्टी, थर्टी, ट्वेंटी फाइव, सिक्सटी, 25, Say yes or no, friends, right? Step number two, profit and loss account, which is given. How much is the actual profit? Is 67,500.
Bolo yes or no, friends, right? Bolo. Step number 3, reconciliation, right? Leave one full page. Leave one full page. Step number 3, statement showing reconciliation. Leave one full page, right? ये आपका हो जाएगा answer number 2. बराबर. Then leave another half page for revised reconciliation, right? वो आपका हो जाएगा answer number 3. Answer number 3, revised reconciliation. Okay. Step number 4. ओनली टेबल बना लो, एनालिसिस नहीं करना है अपने को ना. एनालिसिस ऑफ वेरियंस, स्टैंडर्ड एक्चुअल. टेबल बना सकते हैं ना फ्रेंड्स? मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? इज 2000 यूनिट्स केजी रेट अमाउंट. केजी रेट अमाउंट दो तरह का मटेरियल है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी. ए बी वन यूनिट इज रिक्वायर्स 10 केजी. 2000 इंटू 10 20,000. 2000 इंटू 5 10,000. लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट. आर्स रेट अमाउंट 5 आर्स 10,000. रेट पर आर इज 5 50,000. वेरिएबल ओवरहेड आर्स रेट अमाउंट 2000 इंटू 5 10,000. रेट पर आर 12 120.
fixed overhead always based on budget, units, recovery rate, expense. 1100 units into 25. Sales margin, units, rate, amount. 1135 38 5 rate per kg 5 and 6 160 160. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, फॉर्मेट अपना क्या रहेगा, सेम. या करेक्ट कर बोथ के लिए 2100. Right? $18,900 10 750 10,500 hours, rate, amount, units, expense, units, rate, ammo. $99,225 61 275 50,400 1,15,000 56,600 Actual hours will be 10,300 because there is a abnormal idle time, right? Actually worked 10,300 na. Actual units 2,000 11.16 4.8 5 point and
5.7, टोटल 18,900, 10,750, 29,650, 99,225, 160, 500, ये 30,000, ये बचा 2,000, एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. इट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 225 माइनस बजटेड कॉस्ट 1, एक्चुअल प्रॉफिट 35. बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है. अब इसका एनालिसिस ऑफ वेरियंस अपन कर लेंगे ना, बट ध्यान रखना है इट्स ए सिंगल प्लान, तो एक ही जगह, यहां इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना. मल्टीप्लाई बाई परचेज क्वांटिटी. परचेज क्वांटिटी इज मटेरियल ए 20,000, मटेरियल बी 11,500. फर्स्ट मटेरियल रेट वेरियंस ए बी, क्या रेट सोचा था 5, क्या पे किया 5.25, क्या रेट सोचा था 6, क्या पे किया 5.7, इनटू परचेस क्वांटिटी 20,000, 11,500. $5,000 adverse, $3,450 favorable. Material usage variance A and B 20, 18,900, 10, 10,750, 5 and 6. Whenever there is a quantity part, multiply by standard rate. Whenever there is a rate part, multiply by actual quantity. 20,000 less 18,900 into 5, 5,500 favorable, 750 into 6, 4,500 adverse. Labor रेट वेरियंस, क्या रेट था 5, क्या रेट आ रहा है 4.8, 10,500, 2,100 favorable. लेबर आइडियल टाइम वेरियंस 200 into 5, 1,000 adverse. सही है सुनो फ्रेंड्स. लेबर एफिशिएंसी वेरियंस 10,000 माइनस 10,300 इंटू 5, 1,500 एडवर्स. बोलो या वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस 12 माइनस 11.16 इंटू 10,300. Favorable. Variable overhead efficiency variance
10 300 into 12, 3600 एडवर्स, राइट है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 52500 माइनस 56600 4100 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 2100 2000 इंटू 2500 एडवर्स। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 2100 माइनस 2000 इंटू 3500 एडवर्स। प्राइस तो सेम रहेगा। बराबर है। रिकंसिलेशन प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट कितना प्रॉफिट है 73500 राइट। नाउ ड्यू टू मटेरियल रेट ए बी ड्यू टू मटेरियल रेट वेरियंस 5000 एडवर्स 3450 फेवरेबल ड्यू टू मटेरियल यूसेज ए एंड बी 5500 फेवरेबल 4500 एडवर्स ड्यू टू लेबर रेट 2100 फेवरेबल ड्यू टू लेबर आइडियल टाइम 1000 एडवर्स लेबर एफिशिएंसी 1500 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड रेट 8600 फेवरेबल एफिशिएंसी 3600 एडवर्स
फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 4100 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 2500 एडवर्स, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस 3500 एडवर्स, प्रॉफिट 67,500, जबकि पी एंड एल में कितना आ रहा है? नहीं नहीं 67,500 नहीं है, ये 67,500 नहीं आएगा। तभी तो टैली नहीं हो रहा है ना, तभी तो रिवाइज बनाएंगे ना रिकंसिलेशन। प्रॉफिट एच पर रिकंसिलेशन 67,450, प्रॉफिट एच पर रिकंसिलेशन कितना है अपना 67 बोलो 450, प्रॉफिट एच पर रिकंसिलेशन 67,450, जबकि एच पर पी एंड एल कितना है? अब देखो ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है, हम लोगों ने पी एंड एल में लिया है कंज्यूम्ड क्वांटिटी राइट, जबकि रिकंसिलेशन में हमने क्या लिया है? प्राइस वेरियंस ऑन परचेस। तो जो 5000 डेबिट किया है, 5000 कितने पे लिया है? 20 पे, पी एंड एल अकाउंट में कम पे लिया है राइट। तो अगर अपन ने ज़्यादा कर दिया तो उसको एड बैक करना पड़ेगा राइट, ड्यू टू मटेरियल रेट वेरियंस ए। कितना डिफरेंस था? 5 माइनस 5.25 इंटू 20 माइनस एक्चुअली कंज्यूम कितना हुआ है 18,900। निकालो जरा, उतना एड बैक करना पड़ेगा आपको 275। अब जरा ये देखो बी, हमने क्रेडिट दे दिया है 11,500 को, जबकि क्रेडिट कितने को मिलना चाहिए 10,750 है ना। दिस इज ड्यू टू मटेरियल रेट बी, कितना क्रेडिट दे दिया 6 माइनस 5.7 और कितना है 11,500 माइनस 7, कितना आएगा 225। ये आपको माइनस करना पड़ेगा राइट, एंड दिस इज योर प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस 67। एक बार पूरा सम ना वापस से देख लो राइट, ये सम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए राइट। आपने सारे लेक्चर्स इतने सिंसियरली अटेंड किए हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं, इसके लिए आपको समझ रहा है राइट। या
अगर उतना एक्स्ट्रा ये डेबिट और क्रेडिट कर देंगे पीएनएल अकाउंट में तो अपना टैली हो जाएगा, राइट। परफेक्टली क्लियर? ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लो उसके बाद में। कैन यू रिफर 33 पेज नंबर 12.97, 33 पेज नंबर 12.97, और आप मुझे बताइए रीड करके कौन सा प्लान है, सिंगल है या पार्शियल है। थर्टी थ्री 12.97 आप बताइए कौन सा प्लान है, सिंगल है या पार्शियल है। कैसे पता चला? वेरी गुड, मटेरियल प्राइस वेरियंस एट द टाइम ऑफ परचेस, है ना। अच्छा, कभी कभी क्या रहता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के सम्स में क्या रहता है, सपोज आपके पास यूनिट्स हैं 100 और वो 80% कंप्लीट है और आपका कॉस्ट पर यूनिट है ₹1, तो इक्विवेलेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन, 100 × 80%, 80 × 1, ₹80। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 100 यूनिट्स ले लो × 1 × 80%, 0.8, और आपका कॉस्ट क्या आएगा, ₹80। दोनों चलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलाउड है, राइट। देखो जरा क्या क्या पूछ रहा है अपने से ना फ्रेंड्स, पहले एग्जैक्टली गो टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये सिंगल प्लान है, क्यों सिंगल प्लान है, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरियंस क्या दे रखा है अपने को, रिकॉर्डेड व्हेन इट इज परचेस्ड, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट्स पर डजन एज वेल एज टोटल फॉर लॉट नंबर 45, 46 और 47, तीन लॉट है अपने पास, बोलो कौन कौन सा, 45, 46, 47 में नो प्रॉब्लम, 46 में देरी से प्रॉब्लम। तो देखो जरा पॉइंट नंबर 5, देर वॉज नो डब्ल्यू आई पी एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई, ड्यूरिंग जुलाई लॉट नंबर 45 और 47 वर कंप्लीटेड, ऑल मटेरियल वर इशूड फॉर लॉट नंबर 46 विच वॉज 80% कंप्लीट इन, इसका मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहां पर है, 46 में। तो निकालो जरा अपना आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर डजन एज वेल एज टोटल, बराबर प्रोडक्ट लॉट नंबर 45, 46, 47 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट कॉस्ट पर डजन एंड टोटल। ₹45 UK, ₹46 US, and ₹47 Canada. Production 1700 dozen. ₹1200 dozen, and 1000 कॉस्ट पर डजन इज गिवन 531, इसमें अप्लाई हो जाएगा 531 इसमें हो जाएगा, लेकिन इसके लिए निकालना पड़ेगा, राइट। स्टैंडर्ड
equivalent cost, direct material full, because 100% complete hai na friends. There was no WIP at the beginning of July. During July, lot number 45, 47 were completed, all material were issued. It means 100% of 264 is 264, and then direct labor and overhead, direct labor and overhead 147 का 80% and 120 का 80% 96, 147 into 0.8 117.6, 264 117.6 plus 90 477.6 1700 into 531 902,700, 1200 into 477.6 573,120 and 531,000. 902,700, 573,120 and 531,000. 20,06,820. एंड पर डजन तो आपका 531 ही रहेगा, वो तो दे ही रखा है अपने को. दिस इज योर आंसर नंबर वन. राइट है. अब दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड लेबर आवर्स वर्कड आउट फॉर ईच लॉट एज वेल एज इन टोटल. मतलब मटेरियल में कितना वेरिएशन था और लेबर आवर्स में कितना वेरिएशन है. ठीक है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवर एट ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. राइट, आंसर नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग वेरिएशन इन नंबर वन मटेरियल क्वांटिटी एंड नंबर टू लेबर आवर्स. लॉट नंबर 45 यूके, 46 यूएस, 47 कैनेडा. स्टैंडर्ड मीटर्स एक्चुअल मीटर्स एंड वेरिएशन.
1700, 1200, 1000 in 2. 1 dozen is requires 24 meters. उसके सामने हमारा यूज हुआ है 40, 440, 28, 825, 24, 100. Ninety-three, 365. 360 favorable, 25 adverse, 100 adverse. Favorable. Say yes or no, friends. Lot number 45 UK, 46 US, 47 Canada. Standard hours. Actual hours, variation 1700, 1200, 1000. One unit is requires 3 hours, but in case of US only 80%, because 80% complete na friends. 1700 into 3, 5100, 2880, 10980. Actual hours 5130, 2890, and 2980. 30 adverse, 10 adverse, 20 favorable.
Follow yes or no, friends, right? Find the variation in the quantity of material used. ये material used का variation आ गया है ना? And labor hours worked for each lot as well as in total. ठीक है? Calculate the material price variance. Answer number 3. Material price variance. लेकिन ध्यान रखना, it's a single, हाँ, single plan. मेटेरियल प्राइस वेरियंस, इट्स ए सिंगल प्लान. क्या रेट सोचा था? 11. क्या रेट पे किया है? 1064 डिवाइडेड बाई 95,000. 11.2 इनटू परचेज क्वांटिटी 19,000 एडवर्स, राइट? बोलो, कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरियंस. लेबर रेट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस क्या रेट था? 49. क्या पे किया है? 50. देखो जरा, डायरेक्ट लेबर 5,50,000 एट द रेट ऑफ 50. 5,50,000 डिवाइडेड बाय 50 कम्स टू 11,000. सो 11,000 एडवर्स. बोलो, बोलो. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, एफिशिएंसी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आर्स, राइट? कितने आर्स अलाउड थे? 10,980. एक्चुअल में लिए 11,000. रेट पर आवर देखना पड़ेगा अपने को. 40 रुपीज है, लेकिन उसमें से वेरिएबल कितना है? 60% इज वेरिएबल. बोलो, पॉइंट नंबर फोर 40 का 60% इंटू 480 एडवर्स. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डजन्स. पूरे साल में डजन बनती है 48,000, तो एक महीने में 4,000. एस्टिमेटेड प्लांट नॉर्मल कैपेसिटी इज 48,000 डजन. बोलो यस और नो. 48,000 बराबर. तो इस महीने का कितना हो जाएगा? 4,000, है ना? व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल इज 1700 डजन प्लस 80% ऑफ 1200 प्लस 1000. समझे कि नहीं? 1700 प्लस 960 प्लस 1000.
3660 इंटू 120 रुपीस पर डजन, लेकिन ओनली 40%। सो 4000 लेस 3660 इंटू 120 इंटू 40% 16320। बोलो कुछ पूछना है फ्रेंड्स? या समझे या नहीं? एक मिसिंग फिगर का कराता हूँ, राइट, रिवर्स में ना। 39 पेज नंबर 12.103 क्वेश्चन 39 पेज नंबर 12.103 क्वेश्चन नंबर 39 आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन सा प्लान है, सिंगल है या पार्शियल है, और कौन बुक्स मेंटेन कर रहा है? ऐसे ट्राई करिए जैसे एग्जाम में आपके सामने है ये क्वेश्चन, राइट। सिंगल प्लान कैसे? परचेस्ड, प्लीज एनालाइज दैट, मटेरियल परचेस्ड है ना, एंड बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ, बिकॉज क्रेडिटर्स इज गिवन, राइट। एचओ इट मींस इंटीग्रेटेड एंड इट्स ए सिंगल प्लान, बराबर। हमेशा देख लेने का क्या क्या पूछा है अपने से, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल एंड मीन्स मटेरियल और लेबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, राइट। समझे नहीं फ्रेंड्स? तो टेबल बना लें अपना, वही सेट, मटेरियल वेरियंस, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, केजी, रेट, अमाउंट, केजी, रेट, अमाउंट। लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, कौन सा प्लान है? सिंगल प्लान, सही है सोनो फ्रेंड्स, राइट।
Now, what is your actual production? Bolo. Actual production is 4000 units. One unit is required 3 kg. It means 4000 into 3, 12,000. Rate 5. Kitna ho jayega? 60. 0.5 hours. 4000 into 0.5 hours. 2000. 2000 into 20 is 40,000. बराबर है? अभी दो तीन तरीके से आपको मैं बता देता हूं, राइट, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर लेना। देखो, आपने अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना है? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 68,250, बराबर है? अब इसमें आप बोल रहे हो कि आपने प्राइस कितना एक्स्ट्रा पे किया है, प्राइस वेरियंस है ना 3250। इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मींस स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड रेट पर केजी क्या है मटेरियल का 5। इसका मतलब आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितना परचेज किया होगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना परचेज किया होगा 13,000। समझे या नहीं? कितने के हिसाब से पे किया होगा, 13 डिवाइड करो जरा, 5.25। कितना एक्स्ट्रा पे किया है 0.5, बराबर है? और मटेरियल यूसेज वेरियंस क्या है, आपको क्वांटिटी अलाउड था 12,000, आपने यूज किया इनटू 5, आपको क्या दे रखा है मटेरियल यूसेज वेरियंस 2500 एडवर्स। इसका मतलब 12,000 परचेज किया 13,000 और यूज किया 12,000, ये परचेज और ये कंज्यूम एट द रेट ऑफ 5. समझे? इसके एंट्री से भी बता देता हूं, पहले इतना सिंपल कर लो आप ना, तो आपके दो तीन आंसर हो जाएंगे इसमें ना।
बोलो। समझे या नहीं समझे? राइट। या और अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एंट्रीज वाला। देखो कैसे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब रेट में देखो क्या दे रखा है आपको, मटेरियल प्राइस वेरियंस डेबिट टू कैश बैंक। राइट, एज्यूम कर लिया क्योंकि अपने को दे रखा है क्रेडिट या क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने कितना पे किया है, 68,250। प्राइस वेरियंस इसका मतलब 65। ये हम डेबिट किस पे करते हैं, एट द रेट ऑफ 5, 65 इसका मतलब हमने एक्चुअल क्वांटिटी खरीदा होगा 13,000। सो 13,000 इंटू समथिंग विल गिव यू 68,250। 68,250 को डिवाइड करो 5.25। 5 की जगह 5.25 इंटू 13,3250। देन WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट मटेरियल यूसेज वेरियंस डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। WIP कितना मटेरियल इश्यू करेंगे, 12,000 इंटू 5 60,000। मटेरियल यूसेज वेरियंस कितना है, 2,000। इसका मतलब 500 इंटू 5 इज 2,000। तो कितना इशू किया होगा, 12,500 इंटू 5। तीनों आंसर आपके आगे मटेरियल से रिलेटेड। क्या क्या मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या आंसर चाहिए आपको, लास्ट के 3 ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अलाउड, दिस इज योर आंसर नंबर 4। देन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, दिस इज आंसर नंबर 5। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, आंसर नंबर 6। और एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, दिस इज आंसर नंबर 7। समझे या नहीं समझे? आप एंट्री से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, अप टू यू। सही है सोनो फ्रेंड्स। अभी
लेबर के में क्या क्या दे रखा है आपको देखो, लेबर रेट है, लेबर एफिशिएंसी है, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी। लेबर रेट क्या बोला था 20, आपको मालूम नहीं है, इनटू एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड आर्स मालूम नहीं है, इनटू 20। क्या क्या वेरियंसेस दे रखे हैं आपको, 1900 क्या है रेट, 1900 एडवर्स एंड ये 2000 फेवरेबल, ये एडवर्स, राइट है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 20, 2000 डिवाइड बाय 20 100, और फेवरेबल है इसका मतलब एक्चुअल आर्स 1900, ये 1900, तो 1900 1901 ये आपका हो जाएगा 21। निकालो जरा, सही है सोनो फ्रेंड्स, राइट है। अब देखो, चाहे सिंगल प्लान है चाहे पार्शियल प्लान है, चाहे सिंगल प्लान है या फिर आपका पार्शियल प्लान है, दोनों के अंदर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स किस पे होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। देखो पार्शियल में मैंने क्या लिखा है था, वी डेबिट द डब्ल्यू आई पी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, वी क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। और सिंगल में क्या लिखा है, डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ, तो दोनों में हमेशा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस पे रहेगा, स्टैंडर्ड। तो वैल्यूएशन की वजह से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। तो अब आप जरा देखो, एक स्टॉक वाला भी करा देता हूँ आपको, 34 पेज नंबर 12.98, क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 12.98, वैल्यूएशन हमेशा दोनों में क्या रहेगा, सेम। समझे या नहीं फ्रेंड्स, राइट, वैल्यूएशन दोनों हमेशा में क्या रहेगा, सेम। स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट इज गिवन, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। आपको क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन, what is the budgeted profit 20,000, what is the actual profit 17,050, दोनों को आपको क्या करना है, रिकंसिलाई, राइट। सिंगल हो या पार्शियल हो, दोनों में कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टॉक क्या रहेगा, सेम। देखो 4 रुपीज है दोनों के अंदर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, राइट, चाहे सिंगल है चाहे पार्शियल है, दोनों में क्या रहेगा, सेम, राइट। तो लिखो जरा अपना, स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट गिवन एंड बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू 20,000, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज ऑल्सो गिवन एंड
एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 17050। स्टेप नंबर थ्री, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलेशन। लीव वन फुल पेज फॉर दैट, लीव वन फुल पेज फॉर दैट, राइट। स्टेप नंबर वन, कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन बजटेड, P&L अकाउंट बेस्ड ऑन एक्चुअल, एंड स्टेप नंबर थ्री इज ए रिकंसिलेशन। सही है, सुनो। अब आप आ जाइए स्टेप नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट। स्टेप नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट। फर्स्ट मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 24,000 यूनिट्स, ओके। स्टॉक ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट, कौन कौन सा इनपुट है अपने पास। इनपुट ए एंड बी, 10,000 केजी फॉर 20,000, तो 24 के लिए कितना बजटेड हमारा 20 था ना फ्रेंड्स, बोलो बजटेड प्रोडक्शन कितना है 20,000 ना, सो 10,000 इज फॉर 20, तो 24 के लिए कितना, रेट पर केजी 0.3 0.7, बोलो या सुनो। 12,000 3600 8400 लेबर वेरियंस, आर्स रेट अमाउंट, स्किल्ड अनस्किल्ड, 9,000 फॉर 24 के लिए कितना, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए आपको, राइट। इसके लिए जो लिस्ट दूंगा LMR की, वो बराबर से सॉल्व करो, हाँ। फाइव टू डबल जीरो 20, सो 24 3 2.5
6240 48,000. बोलो वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन यूनिट्स, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. नॉर्मली आर्स पे रहता है ना. What is the actual production? 24,000. Per unit rate 50 paise, 12,000. Fixed overhead always based on budget. $20,000 budgeted production, $20,000 recovery rate 1, sales margin variance, units rate amount, units rate amount. Budgeted units sold 20,000, budgeted profit 21 rupee per unit. सही है सोनो फ्रेंड्स. पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, कुछ पूछना है बोलो प्लीज. अभी एक्चुअल में आ जाइए आप. एक्चुअल सेल्स है 14 + 8 = 22. एक्चुअल प्रोडक्शन है 24. एक्चुअल प्रोडक्शन है 24, बिका है 22. एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1,08,000 divided by 22. 1,08,000 divided by 22 is 4.9090, less budgeted cost per unit is 4.9090 into 22,000 is 20,000. बोलो. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 18,020. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 15,000. 0.625.
एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल यूज 16,000 केजी, 10,000 केजी, 26,000 केजी, 3200 पीएनएल अकाउंट में देखो 8,000, 11,200, 0.2, 0.8. एक्चुअल लेबर आर 13,000, 6,300, 19,300, 2.95, 2.60. लेकिन ध्यान रखना देर इज एबनॉर्मल आइडियल टाइम इन स्किल्ड, तो लेबर का जब करोगे तभी ध्यान रखना। ठीक है, एनालिसिस होमवर्क में करना, रिकंसिलेशन होमवर्क में करना, ठीक है, टैली करके दिखाना मुझे। ये क्लियर हुआ? कुछ पूछ रहे हैं फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन प्लीज? बोलो, ठीक है, हो जाएगा होमवर्क में?